ये आपकी सभी शेप्स हैं, घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। घनाभ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। घन को क्या बोलेंगे? क्यूब। बेलन को क्या बोलेंगे? सिलेंडर। शंकु को क्या बोलेंगे? कोन। गोले को क्या बोलेंगे? स्फीयर। और अर्धगोले को क्या बोलेंगे? हेमी स्फीयर। ठीक है, तो क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया, तो क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया में क्या आएगी? चार दीवारें आएगी। चार दीवारों का हमने किया था क्या? 2h ब्रैकेट में कितना L प्लस में कितना P, L प्लस B, H कॉमन आ जाएगा ना दोनों में। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? L प्लस B। और इसका क्या निकालना हो? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो उसमें क्या आएगा? छत और क्या आ जाएगी? फर्श, दोनों आ जाएंगे। तो यानी क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? LB प्लस में क्या हो जाएगा? BH प्लस में क्या हो जाएगा? HL हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना में ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा? LBH हो जाएगा। ठीक है, घनाभ से ही क्या बनेगा? घन बनेगा। क्यूब, क्यूब में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? एक जैसी होती हैं, तो तीनों का एक ही नाम रख देते हैं। क्या रख देते हैं? ए रख देते हैं। ठीक है, तो ए यहाँ पे रखेंगे, ए यहाँ पे रखेंगे, ए यहाँ पे रखेंगे, तो ए और ए कितना हो जाएगा? 2A, और बार कितना है? 2A, तो 2A इंटू में 2A कितना हो जाएगा? 4A स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? ए इंटू में कितना हो जाएगा? ए स्केयर, ये भी ए स्केयर, ये भी ए स्केयर, तो ए स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस ए स्केयर कितना हो जाएगा? 3A स्केयर। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6A स्केयर। ठीक है, अगला क्या है? L इंटू बी इंटू एच, तो तीनों ही एक जैसी हैं, तो A इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? सिलेंडर, तो सिलेंडर की शेप कैसे मिलेगी आपको? इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा? जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो क्या होता है? वृत्त की आकृति का होता है। जो आधार होता है वो क्या होगा? वृत्त होगा, सर्कल होगा, और सर्कल में क्या मिलेगी? रेडियस मिलेगी। ठीक है, और बेलन की क्या मिलेगी आपको? हाइट मिलेगी, तो क्या मिलेगी? एच मिलेगी। तो आपको क्या निकालना है? पहले कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? पहले कर्व सरफेस एरिया नीचे का निकालो, तो नीचे क्या है? सर्कल है, नीचे क्या है? और सर्कल के बार वाला एरिया क्या कहलाता है? सर्कमफ्रेंस कहलाता है, परिधि कहलाता है। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। परिधि का फार्मूला क्या होता है? और सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाओगे तो क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा। तो यानी कि एक परिधि जो आपने निकाली थी 2πr, उसको क्या करना है? h से क्या करना है? मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो क्या हो जाएगा? 2πrh। ठीक है, ये क्या आएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब टोटल में क्या करना है कि ये तो आएगा ही आएगा, 2πrh तो आएगा ही आएगा। क्या जोड़ना है? बेस जोड़ना है, बेस जोड़ना है, और क्या जोड़ना है हमें? ऊपर जो टॉप दे रखा है। ठीक है, तो बेस भी कैसा है? सर्कल है, और टॉप भी कैसा है? सर्कल ही है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्केयर। तो पाई आर स्केयर नीचे का जुड़ जाएगा, पाई आर स्केयर ऊपर का जुड़ जाएगा, तो इसमें कितने पाई आर स्केयर जुड़ जाएंगे? 2πr² जुड़ जाएंगे। ठीक है, इन दोनों में से अगर आप कुछ कॉमन निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। 2 भी आ रहा है कॉमन, पाई भी कॉमन आ रहा है, और आर भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? एच, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे आर स्केयर था, तो एक आर तो बाहर चला गया, एक आर अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला ये भी है, इसमें से कुछ कॉमन निकालने के बाद में ये फार्मूला बन जाता है। उसके बाद में क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, आयतन निकालना है, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है? अब आयतन में क्या होता है? आयतन में इसको क्या करना है? पूरा भरना है। क्या करना है? तो जैसे एक रुपये का सिक्का लेते हैं, एक रुपये का सिक्का पूरा भरा हुआ होता है ना, लेकिन अगर चूड़ी ली जाए तो चूड़ी भरी हुई नहीं होती, तो हम क्या ले लेते हैं? एक सिक्का ले लेते हैं, और एक सिक्के का क्षेत्रफल क्या बनेगा? पाई आर स्केयर, क्यों? वो कैसा है? सर्कल है। तो पाई आर स्केयर के ऊपर ना एक सिक्का और रख दो, फिर सिक्का रख दो, फिर सिक्का रख दो, फिर सिक्का रख दो, तो उसकी क्या बन जाएगी? हाइट बन जाएगी। वो आकृति कैसी दिखाई देगी? बेलन की दिखाई देगी। तो यानी कि एक सिक्के का क्षेत्रफल यानी एक सर्कल का क्षेत्रफल एरिया कितना आएगा? पाई आर स्केयर। और जब उसके एच अगर होंगे
तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम बन जाएगा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा एच। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसकी बार की बाउंड्री लेता है। तो बार की बाउंड्री लेगा तो बार की बाउंड्री में क्या है कि मान लो चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते हुए जा रहे हैं हम, है ना, तो क्या होगा 2 पाई आर होता है, एक चूड़ी का जो सरकमफ्रेंस होगा, परिधि होगी, वो क्या होगी 2 पाई आर होगी। तो 2 पाई आर के मल्टीप्लाई में फिर कितना आ जाएगा एच, तो ये आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया, यानी कि इसके बाउंड्री पे इसके चारों तरफ अपने को क्या करना हो, रंग करना हो, पेंट करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर क्या करना हो, ऐसा डिब्बा बनाना हो, ठीक है, तो डिब्बे में क्या हो सकता है, डिब्बे में जैसे टंकी बनाते हैं तो टंकी में क्या हो सकता है, नीचे का तो बेस लगाना पड़ेगा, लेकिन कई बार ऊपर से क्या रख देते हैं, खुली रख देते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं जुड़ेगा, फिर क्या जुड़ेगा, सिर्फ बेस जुड़ेगा, आधार जुड़ेगा, तो आधार का कितना है पाई आर स्क्वायर है, तो फिर अकेला पाई आर स्क्वायर, वो तो जैसा आपके पास सवाल आएगा उसके हिसाब से आपको देखना है कि वो मांग क्या रहा है। ठीक है, वो इसको चादर को लेके इससे बना रहा है या फिर इसके अंदर पानी डाल रहा है, पानी डाल रहा है तो क्या चलेगा, वॉल्यूम चलेगा, है ना, और चादर लेके बना रहा है तो चादर लेके बनाने के बना क्या रहा है, अगर मान लो पाइप बना रहा है तो पाइप तो क्या होती है, बंद नहीं होती दोनों साइड से, तो पाइप, पाइप में तो चादर कहाँ पे लगेगी, वक्र पृष्ठ पे लगेगी, कहाँ पे लगेगी, वक्र पृष्ठ पे। और अगर मान लो टैंकी बना रहा है, ठीक है, या फिर कोई डिब्बा बना रहा है, तो डिब्बे में क्या लगेगा, बेस भी लगेगा और क्या लगेगा, छत भी लगेगी, यानी कि पाई आर स्क्वायर नीचे वाला भी लगेगा और पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला भी लगेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाता है, कोन। तो कोन क्या होता है कि इसी को काटा जाता है, ऐसे काट देते हैं, ठीक है, यानी कि ये वाला हिस्सा फिर आपका गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो वॉल्यूम है उससे क्या आएगा, बेलन के वॉल्यूम से इसका क्या आएगा, कम ही आएगा, क्योंकि इसी में से काट के निकाला है। ठीक है, तो फिर इसकी शेप आपकी इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो बेस तो इसका कैसा है, आधार तो कैसा है, सर्कल ही है, और सर्कल में क्या मिलेगी, रेडियस मिलेगी, सर्कल में क्या मिलेगी, और हाइट तो उसमें भी थी तो इसमें भी हाइट मिलेगी, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, तो ये क्या मिलेगी, एच मिलेगी। और उसके बाद में ये जो आपको दिखाई दे रही है, टेढ़ी दिखाई दे रही है, ये क्या मिलेगी, एल मिलेगी, इसका नाम क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, यानी क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, स्लैंट, स्लैंट हाइट। ठीक है, तो जैसे अगर तंबू वगैरह बनाते हैं तो तंबू में तो कपड़ा कहाँ लगेगा, एल के हिसाब से लगेगा ना। ठीक है, और तो अब इसका कर्व सरफेस एरिया यही है जहाँ पर आप कपड़ा लगाते हो, यानी तंबू बनाते हो या फिर आप टोपी बनाते हो, तो टोपी में कहाँ कपड़ा कहाँ लगता है या गत्ता कहाँ पे लगता है, इसी पे लगता है ना। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है, पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होता है, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, पाई आर इंटू में क्या होता है, एल होता है, पाई आर इंटू में क्या होता है, एल। उसके बाद में क्या निकालना है, टोटल निकालना है, तो टोटल में क्या आ गया, कर्व तो आ गया आपका, अब आपके पास क्या रह गया, बेस रह गया, और बेस कैसा है, सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल में क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, एल, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, आर। ठीक है, तो इकट्ठा लगाना हो तो ये भी लगा सकते हैं, अलग अलग करके निकालना हो तो ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। आगे समझ में क्या, अब उसके बाद में क्या निकालना है, वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना है। तो आयतन क्या बताया था कि बेलन से क्या आएगा, इसका कम ही आएगा। ठीक है, तो बेलन का जो आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, उसका क्या हो जाएगा, वन थर्ड हो जाएगा, एक तिहाई हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला वही है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन शंकु क्या है कि उसमें से बेलन में से काट के ही तो बनाया था, इसी में से काटा था ना, तो क्या होगा, बेलन के आयतन से क्या होगा, ये कम होगा, कितना कम होगा, 1/3 हो जाएगा, एक तिहाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद में सफियर, तो सफियर में बताओ कि ये दोनों होते हैं या नहीं होते, सफियर में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होता है या नहीं होता, या सिर्फ एक ही होता है, कर्व नहीं होता, क्या होता है फिर, टोटल ही होता है, क्यों, क्योंकि सफियर का क्या नहीं होता, बेस नहीं होता, सफियर का क्या नहीं होता, बेस नहीं होता, तो इन दोनों की जगह पे ही क्या बोला जाएगा, सरफेस एरिया बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, तो सरफेस एरिया सफियर का क्या होगा,
क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में क्या चलेंगे, वॉल्यूम पे चलेंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब क्यूब आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जब आयतन जब भी आता है ना, आयतन का मतलब क्या है कि तीन चीज़ों की गुना करवानी है। तो या तो आप लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करवा दो, ठीक है, या फिर आपके पास अगर रेडियस और सिर्फ एच ही है तो आप रेडियस को 2 बार गुना करवा दो और एच को 1 बार गुना करवा दो। तो यहाँ पे किया था आपने, देखो आर को 2 बार गुना करवाया था और एच आ गया था, तो आर गुना में एच आ गया ना, 3 बार आ गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे था आर गुना में कितना था, एच। अब सफ़ीर में क्या दिक्कत है कि सफ़ीर में क्या नहीं होती, ऊंचाई नहीं होती, सफ़ीर में क्या नहीं होती, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आर को ही आपको क्या करना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आर गुना आर। ठीक है, क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होगा, आयतन होगा किसका, सफ़ीर का। ठीक है, तो सफ़ीर के बाद में क्या आएगा, अर्धगोला आएगा। क्या आएगा, तो ये सफ़ीर था, ठीक है, अब इसका क्या बनाना है, अर्धगोला बनाना है। तो अर्धगोला बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। काटेंगे तो मान लो ऊपर वाला हिस्सा हट गया, तो ऊपर हमें कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा, है ना। तो इसको उल्टा कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हो तो फिर ये इसका बेस बन जाएगा, ऐसे टिक जाएगा ये, है ना, जमीन पे टिक जाएगा। तो अब इसका क्या आएगा, इसके दोनों आएंगे, कर्व सरफेस एरिया भी आएगा और क्या आएगा, इसका बेस भी आ चुका है, तो फिर क्या आएगा, टोटल भी आएगा। तो कर्व सरफेस एरिया इस सारे का कितना था, 4πr² था, है ना, उसका जब आधा कर दें तो इसके हिस्से में कितना आएगा, 2πr², इसके हिस्से में कितना आएगा, 2πr². ठीक है, अब टोटल करना है तो टोटल में 2πr² तो आएगा ही आएगा, प्लस में क्या आएगा, कहाँ पे टिका हुआ है, तो टिका हुआ है तो कहाँ, उसको उठा के देखें तो नीचे क्या दिखाई देगा आपको, वृत्त दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², सर्कल का एरिया क्या होता है, तो इसमें ना फिर πr² और जुड़ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 2πr² और πr² कितने हो गए, सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, 3πr². ठीक है, उसके बाद में आती है बात वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या था, पूरा सफ़ीयर था, उसका वॉल्यूम क्या था, 4/3πr³ था। अब उस सफ़ीयर को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो फिर वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा करने का मतलब क्या, इसका डिवाइड करना है इसको 2 से, इसको किससे डिवाइड करना है, तो अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो कितना आया, 2/3, हाँ 2/3πr³। बाकी सारा सेम रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, 4/3 की जगह पे क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। रह जाएंगे याद क्या ये, क्योंकि ये याद हैं, तो उसके बाद में ही हम क्या करेंगे, अब जो हमारा 10th क्लास में चैप्टर है उनमें क्या होगा, इन्हीं किन्हीं दो आकृतियों को क्या कर रखा होगा, कंबाइन कर रखा होगा, जोड़ रखा होगा। ठीक है, तो जोड़ने के बाद में कहेगा ये जो नई शेप बनी है उसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, या फिर क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो ये आपको सारे के सारे याद रहने चाहिए। तो इसी के बेस पे हम चलते हैं, आपका जो हमने कल किया था, फर्स्ट एग्जांपल किया था, उसी को पूरा करते हैं। क्या निकालना है, फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, क्या दे रखा है उसमें, आपको एक लट्टू दे रखा है। ठीक है, तो लट्टू की शेप जो है वो किन्हीं दो आकृतियों को मिलके बनी है, है ना, इस तरीके की शेप है, तो इसमें कौन कौन जुड़ा है, हाँ कौन कौन जुड़ा है, शंकु यानी कौन जुड़ा है, और प्लस में क्या जुड़ा है, अर्धगोला जुड़ा है। क्या जुड़ा है, अर्धगोला यानी कौन, और प्लस में क्या है, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दिया, तो बेस इसका भी खत्म हो गया, बेस इसका भी खत्म हो गया, यही हुआ ना, कि बेस तो क्या हो गया, दोनों अब दिखाई नहीं दे रहे हमें, तो बेस तो अब दिखाई नहीं दे रहा, इसका क्या दिखाई दे रहा है, कर्व सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है, और इसका भी क्या दिखाई दे रहा है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है,
शंकु का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। और अर्धगोले का क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है कर्व सरफेस एरिया? 2πr² ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr² और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, चलो आता है। अब क्या दे रखा है इसमें? टोटल हाइट दे रखी है यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और क्या दे रखा है? और आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक दे रखी है ना, यानी एक कोने से दूसरे कोने तक दे रखी है। वो कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक कोने से दूसरा कोना, यानी उठा के देखें और एक कोने से दूसरा कोना हो तो वो क्या होता है? डायामीटर होता है। वो क्या होता है? तो आपको क्या दे रखा है? डायामीटर, यानी कि व्यास दे रखा है। कितना दे रखा है व्यास? 3.5। ठीक है, तो फिर रेडियस कितनी हो जाएगी? आर रेडियस कितना हो जाएगा? आधा हो जाता है रेडियस, तो 3.5 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। तो कितना हो जाएगा? डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.75 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें, अब रेडियस देखो, रेडियस क्या था? रेडियस तो इसका और इसका क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों? दोनों को आपस में जोड़ा गया है और बिल्कुल सही जुड़ते हैं आपस में। तो जो इसका रेडियस है वही क्या है? शंकु का, यानी कौन का रेडियस है। तो रेडियस तो दोनों का पता लग गया। ठीक है, किस किस की? हाँ, एक तो पता लग गई अर्धगोले, अर्धगोले यानी कि हेमिसफियर की रेडियस पता लग गई आपको। त्रिज्या कितनी है? 1.75। ठीक है, और इसी के साथ यही जो रेडियस है वो किसकी है? शंकु की। तो शंकु की भी रेडियस कितनी है? 1.75। ठीक है, लेकिन शंकु में तीन चीज़ें होती हैं, है ना? कौन कौन सी होती है? एक तो क्या होती है? रेडियस होती है। एक क्या होती है? हाइट होती है। और एक क्या होती है? स्लैंट हाइट यानी कि एल होती है। तो इसकी हमें क्या पता लगानी पड़ेगी? यहाँ से यहाँ तक और पता लगानी पड़ेगी। एच पता लगाना पड़ेगा। क्या पता लगाना पड़ेगा? एच पता। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 है। और ये सारा कितना था? 3.5 था। ये कितना आ गया? इसको गायब कर देते हैं, सिर्फ यहां से यहां तक ले लेते हैं, तो कितना आ गया? 1.7। ठीक है, तो इस 1.75 का मतलब है कि मैं इसको कहीं पे भी लेके जाऊं बेशक, ये हमेशा ही क्या रहेगा? 1.75 रहेगा, रेडियस बराबर ही रहेगी। तो यहां से लेकर और यहां तक कितना है? 1.75। ठीक है, तो फिर शंकु के हिस्से में कितना बच गया? क्या करेंगे? टोटल कितना था? 5 था। 5 में से क्या कम कर देंगे? 1.75 कम कर देंगे। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई है ना, यानी कि हाइट ऑफ कोन कितनी आ जाएगी? 5 माइनस 1.75 करेंगे कितना आएगा? 3.25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसमें आपको ये भी पता लगी कितनी होगी? 3.25। और ये कितनी है? 1.75। अब आपको क्या निकालनी है? L निकालनी है। क्या निकालनी है? तो इसमें जब हम देखें कि ये जो हम तंबू के बीच में लकड़ी लगाते हैं, ये जमीन के साथ क्या बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है, है ना? और ये जो कपड़ा जहाँ पे लगा होता है, इसको अगर एक रेखा मान ली जाए, लाइन मान ली जाए, और इसको रेडियस को भी क्या मान लिया जाए? लाइन मान लिया जाए, तो ये एक ट्रायंगल बन जाती है, है ना? और ये कैसी ट्रायंगल बनी? समकोण बनी, राइट एंगल बनी, जिसमें एक कोण कितने का है? 90 डिग्री का है ना। तो नाम दे देते हैं इसका A, B और C। ठीक है, तो क्या है ट्रायंगल? ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिभुज। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC में कौन सा नियम लग सकता है? हाँ, बोलो, याद करो। यानी क्या होता है कि इसमें कौन सा नियम लगता है? पाइथागोरस लगता है। कौन सा लगता है? जब आपके पास क्या हो? राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी कि एक 90 डिग्री वाली अगर त्रिभुज है आपके पास, तो उसमें नियम कौन सा लगेगा? पाइथागोरस लगेगा। और पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ये तो है इसका बेस,
ठीक है, आधार है, क्या है आधार, ये इसका क्या है लंब, यानी क्या है परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर, और ये जो है ये इसका क्या है कर्ण है, ठीक है। कर्ण को क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज कहते हैं, बैठो, क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बेस का स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आधार का स्क्वायर जमा में क्या आएगा लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हाइपोटेन्यूज की जगह पे है कौन अपने पास, एल है अपने पास, कौन है एल, तो क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है 1.75 का स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर कितना है 3.25 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है एल निकालना है। उससे पहले सवाल पढ़ते हैं क्या एल की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, पूछा क्या है उसने, देखो उदाहरण को पढ़ो क्या कहता है, दिखाओ मुझे क्या है कि रशीद को जन्मदिन के उपकार के रूप में एक लट्टू मिला जिसके ऊपर रंग नहीं किया गया था, ठीक है। तो रंग कहाँ पे होगा, किस किस के वक्र पे, लट्टू के वक्र पे होगा। तो लट्टू का वक्र कौन कौन मिलके बना रहा है, शंकु बना रहा है और कौन बना रहा है हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला बना रहा है, ठीक है, करेंगे कलर करेंगे। अच्छा तो फिर इसके अगर कलर करना पड़े मुझे तो इसका फिर क्या निकालना पड़ेगा, वक्र निकालना पड़ेगा ना, और वक्र का फार्मूला क्या होता है पाई आर एल, तो फिर एल तो निकालना पड़ेगा, तो एल निकाल लेंगे कोई बात नहीं, करते हैं कैलकुलेशन ही करनी है हमें। तो वह इसके ऊपर मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है यानी क्रेयन, यानी कि जो आपके पास वैक्स कलर होते हैं ना मोम वाले होते हैं उससे ही रंग करेगा ये। तो यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर क्या किया गया है अर्धगोला अध्यारोपित है, यानी कि एक शंकु है कौन है और इसके ऊपर क्या किया गया है हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला लगाया गया है, ठीक है। तो लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 है और व्यास कितना है 3.5, ठीक है। तो भाई पेंट करना है, तो पेंट करना है तो क्या निकालना पड़ेगा एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इसका पाई आर एल चाहिएगा, तो हमें फिर एल की आवश्यकता पड़ेगी। एल से पहले हमने क्या ढूंढा इसका एच ढूंढा, एच पता लग गया ना सबको कैसे आया, एच कैसे आया टोटल हाइट कितनी थी 5 थी, तो 5 में से कम क्या होगा 3.5 कम नहीं होगा, 3.5 कम नहीं होगा, ठीक है। 3.5 का हम क्या करेंगे हाफ करेंगे, क्यों, ये तो क्या था डायामीटर था, क्या था, तो इसका हमने आधा किया तो क्या आ गया रेडियस पता लग गया किसका अर्धगोले का भी और शंकु का भी, ठीक है। और अर्धगोले का रेडियस चाहे यहां से यहां पर मापो, चाहे यहां से यहां पर मापो, चाहे यहां से यहां पर और चाहे यहां से यहां पर कहीं पे भी मापो, रेडियस क्या रहेगी 1.75 ही रहेगी, ठीक है। तो टोटल कितना था 5 था, 5 में से 1.75 कम हो जाएगा, क्या रह जाएगा यहां पर 3.25, वो एच आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ सकता है एच आ गया, हाइट आ गई हमारे पास और क्या आ गई रेडियस आ गई, तो हम एल निकालनी है, ठीक है। अब आपका काम स्टार्ट होता है जो आपको नहीं आता है ना, कौन कौन सा क्या करना है, पहले तो देखो ये एल स्केयर है, एल स्केयर इज इक्वल टू क्या है 1.75 का क्या है स्केयर, तो 1.75 का स्केयर का मतलब क्या है 1.75 मल्टीप्लाई में कितना 1.75, ठीक है। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 5 जा 25, 2 57 जा 35, 35 में 2 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37, कितना रह जाएगा 3, 5 जा 5 प्लस में 3 कितना 8, ठीक है। फिर एक क्रॉस लगाते हैं, जो हमारा लोकल तरीका है वो यही करते हैं, फिर 7 से 75 जा 35, कितना रह गया 3, 77 जा 49, 49 में 3 जोड़ेंगे 52, तो क्या आ जाएगा 5, 71 जा 7 प्लस में 5 करेंगे 12, फिर क्या आएगा डबल क्रॉस आएगा और क्या करनी है 1 से करनी है, तो 175 इंटू में 175 कितना हो जाएगा 175 को 1 से करेंगे तो 175 आ जाएगा, ठीक है। टोटल कर देते हैं कितना आया 5, 75 कितना 12, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, 1 7 8 9 10 0 1 1 1 3, ठीक है। डेसिमल कितने के बाद लगेगा 4, क्यों, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला भी डेसिमल काउंट होता है, नीचे वाला भी काउंट होता है, ठीक है। तो ऊपर भी 2 के बाद है, नीचे भी 2 के बाद है, तो यहाँ पे 4 के बाद लगेगा, तो कितना हो जाएगा
3.0625, ठीक है। अब दूसरा रह गया हमारे पास, क्या रह गया, 3.25 का स्केयर। तो 3.25 का स्केयर भी जल्दी से करके बता दो मुझे कितना आता है। हाँ हाँ, 10.5625, ठीक है। जिन्होंने कैलकुलेट नहीं किया वो कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि यहाँ पे गलती होगी तो फिर आगे भी गलती चलेगी, ठीक है। तो आप कम से कम दो निकाल के देख लो, दोनों का सेम आ रहा है, किस किसने निकाला है, सेम है, इसका अलग है, तो करके देखो, बाकी सभी करो। इसमें कैलकुलेट कितनी आती है कैलकुलेट करके बताओ मुझे, क्योंकि अगर दो का आंसर सेम होता फिर तो इसको मान लेते, ठीक है। देखते हैं कौन फास्ट करता है, आप करते हो या मैं करता हूँ। कितना है, यही है क्या, 10.5625, इन दोनों को ऐड कर दो आप, एल स्केयर इज इक्वल टू कितना आएगा, 13.6250, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई है, एल स्केयर की आई है, ये स्केयर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, स्केयर रूट हो जाएगा। तो एल इज इक्वल टू कितना आएगा, 13.6250। एक बार फिर आपके सामने सबसे बड़ी समस्या है, क्या निकालना है, भाग नहीं करना, वर्गमूल निकालना है, स्केयर रूट निकालना है, ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस आपने बहुत कम की हुई है ना। स्केयर रूट नहीं आता ना निकालना, कर लेते हैं, ठीक है। स्केयर रूट का रूल क्या है, सबसे पहले डेसिमल देखनी होती है कि दशमलव है कहाँ पर, यहाँ है, यहाँ से क्या बनने स्टार्ट होते हैं, पेयर बनने स्टार्ट होते हैं, जोड़े बनते हैं, ठीक है। कोई एक नंबर अकेला नहीं आएगा, हमेशा कपल में आएगा। तो यहाँ से अगर इधर कपल करेंगे तो ये 6-2 का हो गया, फिर कितना हो गया, 5-0 का हो गया। इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3-1 का हो जाएगा, कपल है पूरा है, ठीक है। अगर ना होता तो यहाँ पे क्या लगाते, जीरो लगा देते हैं, और इधर ना होता तो इधर जीरो लगा देते, ठीक है, कपल पूरा हो गया। अब क्या कहता है कि रूट का नियम क्या कहता है कि जो नंबर आप यहाँ पे लिखोगे वही नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी कि आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 को 3 से कर सकते हो, 4 को 4 से कर सकते हो, ठीक है। कहाँ तक पहुँचना है, 13 तक पहुँचना है, तो या तो 13 आना चाहिए या 13 से कम रह जाना चाहिए, तो कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, है ना। 3 3 कितना हो जाएगा, 9, क्यों, क्योंकि 4 × 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो वो तो बात बनेगी नहीं, है ना। तो 3 3 9 हो गया, कितना रह गया, 4, ठीक है। डेसिमल अपनी जगह पे अपने आप पहुंच जाएगा, उसका कुछ नहीं करना अपने को। अब नेक्स्ट कौन आएगा, हाँ पेयर आएगा सारे का सारा, तो कितना आएगा, 62, और ये जो साइन था वो साइन यहाँ पे लग जाएगा, अब जो साइन यहाँ पे था वही यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा क्या जाए तो इसका आएगा डबल, इसका ऊपर वाले का डबल आता है, तो 3 का डबल कितना हो जाएगा, डबल 6, 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6। अब क्या कहता है कि आगे वही कि इसको आगे अगर 1 लगाओगे तो फिर 61 को 1 से करना पड़ेगा, अगर आप 2 लगाओगे तो 62 को 2 से करना पड़ेगा, अगर आप 3 लगाओगे तो 63 को 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ तक पहुँचना है हमें, 462 तक पहुँचना है, ठीक है। तो कितने पे लेके जाएं, ये अप्रोक, अगर मैं इसके आगे 0 भी लगाता हूँ तो 60 बन जाता है, ठीक है। तो 60 कम से कम 60 का पाड़ा तो पड़े, ठीक है। तो 60 को 6 से करेंगे तो 360 हो जाएगा, 60 को 7 से करेंगे तो 420 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से करके देख लेते हैं, है ना। तो 67 को 7 से करके देख लेते हैं, तो 7 जा 49, कितना 4, 76 जा 42 और 4 6, यहाँ पर कितना है, 462 है, ये तो ज़्यादा गया,
ज़्यादा गया तो कितने पे जाएगा, सिक्स पे जाएगा, कितने पे जाएगा, सिक्स पे। तो सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स, थ्री रह गया, सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स और कितना प्लस में थ्री कितना, थर्टी नाइन। ठीक है, ट्वेल्व में से सिक्स कितना, सिक्स, यहाँ पर क्या रह गया था, फाइव रह गया था, यहाँ से लिया तो फिफ्टीन हो गया, फिफ्टीन में से नाइन कितना, सिक्स, थ्री में से थ्री कितना, ज़ीरो। यहाँ पे वही निशान लगेगा और ऊपर वाले का फिर क्या आएगा, डबल आएगा, तो 36 का डबल, डेसिमल काउंट नहीं करना, 36 का डबल कितना आएगा, 72। ठीक है, 36, 36 का दुगुना कहते हैं, तो 36 दुगुना कितना होता है, बेहतर होता है। ठीक है, तो 672 आ गया। अब क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर उतरेगा कितना, 50 उतरेगा। ठीक है, अब वही 72 तो रहेगा, 72 तो रहेगा, अगर 1 लगाया तो 1 पे जाएगा, 2 लगाया तो 2 पे जाएगा, कहाँ तक पहुँचना है, 6600 है, 6600 है ना, और ये कितना है, 700, अगर 700 जीरो भी लगाऊँ तो 720 बनता है, 20 को छोड़ भी दें तो कितना बनता है, 700 तो बनता है ना, तो 700 का पड़ा 6500 तक पहुँचाना है, कितने पे जाएगा, 79 जा कितना होते हैं, 79 जा, हाँ 63 होता है ना, तो 9 जा करेंगे तो कितना आएगा, आखिर में ज़ीरो तो नहीं आएगा, और ज़ीरो तो कभी आएगा नहीं, 1 को 1 से करेंगे तो भी ज़ीरो नहीं आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो भी ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो 9 पर देख लेते हैं, 729, 9 से करते हैं, 9 9 जा कितना, 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, कितना 2, 9 7 जा 63, 63 और 2 कितना, 65, तो 6561 आ गया, काम चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 पे लेके जाते हैं तो ये कितना आएगा, 3.69। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आया, क्योंकि एग्जैक्ट तो तब आता जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो पूरा पूरा डिवाइड तो हो नहीं रहा है, आपके एग्जाम्पल में सोल्व कैसे कर रखा है, कैसे ही निकाला है उन्होंने एल। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, देखो शंकु की तीर्यक ऊंचाई यानी एल निकाल रखा है, उसने कितना लिखा रखा है, 3.7, आगे ब्रैकेट में लिखा है, क्या लिखा है, लगभग यानी अप्रोक्सीमेट निकला, क्योंकि एग्जैक्ट तो निकलता नहीं है। ठीक है, हमारा कितना है, 3.69। ठीक है, तो 9 है आखिर में, तो 9 को हम क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, ये 69 है तो कितना है, 69 है ना, तो 69 अच्छा लगता है या 70 अच्छा लगता है, 70 आसान लगता है ना, आसान कौन सा लगता है, तो ये क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर का क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, कि जो लास्ट वाला नंबर है वो देखना होता है कि वो 5 से ज़्यादा है या कम है। अगर मान लो यहाँ पर कितना होता, 63 होता, तो वो किसके नज़दीक पड़ता, 60 के या 70 के, 60 के, तो फिर हम इसको 6 का 6 ही रहने देते। ठीक है, अब ये कितना है, 69 है, 69 है, तो 69 किसके नज़दीक है, 60 के या 70 के, 70 के, तो हम क्या कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, 3.70 कर देते हैं। ठीक है, यानी लास्ट वाला नंबर छोड़ दिया जाता है, लास्ट वाला नंबर छोड़ो और उससे आगे वाला नंबर बढ़ाना है या वही रखना है वो आपको देखना होता है। ठीक है, वो कैसे पता लगता है, कि जिस नंबर का आपने राउंड ऑफ किया वो नंबर था क्या, 5 से ज़्यादा था या 5 से कम था, तो 5 से ज़्यादा है तो हम 5 से आगे वाले नंबर को एक बढ़ा देंगे, तो कितना आया, 3.7। तो L की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितनी आई है, 3.7। H की वैल्यू है आपके पास, कितनी है, 3.25। ठीक है, और रेडियस का वैल्यू भी है आपके पास, कितना, 1.7। अब क्या करना है, पेंट करना है, तो पेंट कहाँ पे करना है, लट्टू के ऊपर करना है। ठीक है, तो लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया कौन कौन आएगा उसमें, हाँ पाई आर एल और प्लस में किसका आएगा, अर्धगोले का आएगा, अर्धगोले का कितना होता है बेटा, अर्धगोले का कितना होता है, 2πr². ठीक है, आर दोनों की सेम है ना, आर दोनों की सेम है तो मतलब कॉमन आ सकती है, तो कॉमन क्या ले लेते हैं, 2 तो नहीं आएगा, क्या आएगा, पाई आएगा और क्या आएगा, आर कॉमन आएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, एल प्लस में यहाँ पर क्या रह जाएगा, आर। वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई का वैल्यू कुछ लिखा है क्या उसने, बोला है क्या एग्जाम्पल में उसने, तो क्या लेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई में आर का वैल्यू कितना है,
1.75। ब्रैकेट में L का वैल्यू कितना निकाला है हमने, 3.7, प्लस में R का वैल्यू कितना है, 1.75। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और क्षेत्रफल हमेशा क्या आता है, स्केयर में आता है। किस में आता है, तो अगर ये सारे का सारा सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं तो जो एरिया आएगा ना वो सेंटीमीटर स्केयर में आएगा। ठीक है, ये यूनिट आपको लास्ट में लगानी ही लगानी है, वरना इसका आधा नंबर आपका कट जाएगा। तो करें इसको, इसके डिवाइड में 100 कर लीजिए आप, डेसिमल हटेगा, 100 कर लेते हैं। ठीक है, कैंसिल होता है क्या, 7 से 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, कितने रह गए, 3 रह गए, 3 और 5 कितना हो गया, 35 हो गया, तो 7 फाइव जा 35। ठीक है, 25 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 टू जा 50, 5, 25 टू जा 50, 50 और 5 कितने हो जाएंगे, 55। ठीक है, बार वालों की तो मल्टीप्लाई कर दी, ब्रैकेट के अंदर जो है उन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड किस किस को करना है, 3.7 को और किसको, 1.75। तो डेसिमल के नीचे क्या आएगा, डेसिमल आएगा, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, इससे पहले कितना है 1 और इसके बाद में कितना है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो 5 कितना, 4 कितना, नहीं कितना आ जाएगा, ठीक है, तो 5.45। इसकी मल्टीप्लाई करके दिखा दो मुझे कितनी आती है जल्दी से, मल्टीप्लाई कर दो, वो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा कि ये एरिया है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है, इसका जो आंसर निकाला है आपने उसको आप एग्जांपल में मैच कर लीजिएगा, वही आपका आंसर रहेगा।